पांच बहुओं की एक रसोई। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरुपुर ही के। हे ईश्वर, मेरे घर परिवार और बच्चों में अपनी सुख शांति बनाए रखना। अजी ये लीजिए प्रसाद। क्या बात है भाग्यवान, आज बड़ी खुश लग रही हो, बेटों के घर लौटने की खुशी है। जी आज पंडित जी भी आने वाले हैं, इन पांचों के पैरों में बेड़ियां जो बांधनी है। राधे राधे सुमित्रा बहन, देखो तुम्हारे पांचों पांडवों के लिए एकदम सुंदर सुशील संस्कारी लड़कियों के रिश्ते ढूंढ कर लाया हूँ। बस पंडित जी, जात और गोत्र तो एक है। जी जी, ये देखिए। है तो बड़ी सुंदर, आप तो शादी की बात चलाइए। इतने में सुमित्रा के पांचों बेटे अपने पांच अलग अलग धर्म की पत्नियों के साथ शादी करके आते हैं। हे नाथ नारायण, ये मैं क्या देख रही हूँ, तुम पांचों ने शादी कर ली? हाँ माँ, और ये हम पांचों की पत्नियां हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, हम हैं शकीना। अम्मी किंजुल। हम हैं फुलवा फ्रॉम बिहार। और मैं हूँ रचना, प्रणाम माँ जी। हे राम, एक बहु मुसलमानी, एक बंगाली, एक बिहारिन, बस ले दे के एक ही हिंदू बहू है, अब तू क्यों बाकी बची है? Myself, मीनम्मा। मीनम्मा? मीनम्मा वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, चिन्न स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, परम बहादुरी चिन्न स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। अरे बस कर मेरी मद्रासन बहू, मैंने तेरा नाम पूछा था, तेरे पूरे खानदान का नहीं। आइयो अम्मा, मैं तो काली, अपना नाम बोलत जी। हाय अल्लाह, जब तुम्हारा नाम इतना बड़ा है तो पूरे खानदान का नाम तो सुभान अल्लाह होगा। देखो जी, हमारी खानदानी को बीच में लाने का नहीं, और वैसे भी हमारे खानदानी से बाद तो तुम आबादी बढ़ाते हो, लाइक हम दो हमारी दस। इस पर चारों बहुएं ठहाके मार कर हंसने लगती है, और सास कहती है, बंद करो ये दांत फाड़ना, और हाँ याद रहे, मेरे घर की रसोई में मांस मच्छी नहीं पकेगी। सुमित्रा अपनी पांचों बहुओं को घर की रसोई दिखाती है। अगले दिन पांचों नहा धोकर रसोई में आती हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, खाने में क्या पकाना है? मेरी मुसलमानी बहू, पहले तो तू मुझे अम्मी जान बुलाना बंद कर, और मेरे घर में राम राम और राधे राधे चलता है, समझी? खैर आज तुम सभी की पहली रसोई है, तो कुछ मीठा बनाना। सास के ऑर्डर पर पांचों बहुएं मीठे में अलग अलग पकवान बनाकर परोसती हैं। ये लीजिए सासू जी, बंगाली स्पेशल रसगुल्ला। अम्मी हमने आपके लिए मीठी सेवई बनाई है। आइयो अम्मा, मैंने भी उन्निया पर बनाया है, का के दे। सासू जी, हम आपके लिए बिहारी स्टाइल में हलवा बनाए हैं, पहले ई खाइए। तुम बीच में किधर को आया जी, पहले अम्मा उन्निया पमकाएंगी। नाई सासू माँ, पहले तुम ही रसगुल्ला खाबो, खूब भालो छी। हरी जाओ जाओ, तुम चारों चाहे सासू माँ की कितनी भी दुमछल्ली बन जाओ, वो मेरी बनाई खीर खाएंगी। पांचों को इस तरह से झगड़ा करते हुए देखकर सुमित्रा कहती है, चुप, एकदम चुप, तुम पांचों ने किस घाट का पानी पिया है जो दम लगाकर झगड़ रही हो? खा लूंगी मैं। बेचारी सास थोड़ा थोड़ा सभी के खाने में से चखती है। ऐसे ही समय बीतता है, मगर हर दिन रसोई को लेकर पांचों बहुओं के बीच नोक झोंक हो ही जाती है। क्या बात है, आज क्या रसोई से छुट्टी ले रखी है जो पांचों पैर पसारे पड़ी हो, खाना नहीं बनेगा? माँ जी, आज दोनों वक्त रसोई के गंदे बर्तन मैंने अकेले धोए हैं। और रसोई की सफाई हम निपटाए हैं अम्मा जी, और खाना हमने पकाया था अम्मी जान। किंजल बहू, आज तूने रसोई में एक तिनका भी नहीं हिलाया, जाकर खाना तुम बनाओ, ये लो पैसे, पहले बाजार से सब्जी ले आओ। किंजोल सब्जी खरीदने बाजार जाती है, जहां बाजार में कुछ मछुआरों को मछली बनाता देखकर वह कहती है, जब से शादी करके आई हूँ रोज खास फूसी खा रही हूँ, पर आज आमी भर पेट माछोल झोल भात खाऊंगी। दादा ये बड़ी वाली मछली काट देना। किंजोल मछली लेकर घर लौटती है और सीधे रसोई में बनाने लग जाती है। वहीं रसोई के बाहर सास अपनी चारों बाकी बहू के साथ बैठी होती है। खुशबू तो खूब भालो छे।
थोड़ी देर में मछली की गंध रसोई में भर जाती है और घर में भी फैल जाती है। छी, लगता है कोई अपनी रसोई में मांस मच्छी बना रहा है, तभी इतनी गंदी बदबू आ रही है। इतने में किंजल मछली और चावल मेज पर परोसती है। गर्मा गर्म माचोल भात तुम सब खाओ ना, आज तो ओमी किंजोल पेट भर कर खाऊंगी। खाने की मेज पर मछली रखे देखकर सुमित्रा उल्टी करने लगती है और गुस्से में उसका पारा चढ़ जाता है। हरिओम हरिओम, अरे मेरी बंगालन बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रसोई में मच्छी बनाने की। सासु माँ तुम एक बेर खा के देखो, आमी शोधती बोल छो माछो भर खूब भालू बना है। किंजोल एक तो रसोई में ये सब बनाकर पूरी रसोई भ्रष्ट करती और अब सासु माँ को ये खाने को भी कह रही हो। तुम बंगालनी होती ही बेशरम हो। आई थिंक शी इज राइट, तुमको ये सब नहीं बनाने का था किंजोल। इतने में गुस्से में भड़कते हुए सास मछली से भरी कढ़ाई ले जाकर कूड़े में डाल देती है। मैंने तुम पांचों को रसोई में कदम रखने से पहले ही समझाया था कि मेरी रसोई में ये सब नहीं पकेगा, समझी? फिर भी मेरी बात काटी, अब तू मेरी बंगाली बहू मेरी रसोई में कदम नहीं रखेगी। जिस बर्तन में सुमित्रा की बंगाली बहू ने मछली बनाया होता है वह गुस्से से उन बर्तनों को रसोई से बाहर उठाकर फेंक देती है। ये देखकर किंजोल की आंख से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। उसके साथ शकीना की आंखें भी नम हो जाती हैं। तूने मेरे इन बर्तनों को गंदा कर दिया है, इसलिए इनकी मेरे रसोई में कोई जगह नहीं। चुप हो जाइए किंजोल, अल्लाह सब ठीक कर देगा। सासू माँ इस वक्त हमसे बहुत खफा हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया। इसी तरह से वक्त बीतता है और अब सर्दी पड़ने लगती है। एक सुबह, फुलवा तुम जल्दी से बर्तन मांझ लो, इतने में मैं गैस साफ कर देती हूँ। ठीक बा जेठानी जी। फुलवा बर्तन मांझने लगती है। जैसे ही वह बर्तनों को खंगालने के लिए पानी में हाथ डालती है तभी बाप रे बाप। अरे फुलवा तुमको क्या झटका लगता, जिग जिग क्यों करता जी? अरे ओ सासू माँ की मद्रासी बहू, तनिक पानी छू के देखो, नानी ना याद आए तो कहना, पानी तो एकदम बर्फ जैसा ठंडा है, हाथ पाँव जमने को होवत है, ससुरा पानी छूते ही करंट वाला आगत है। तुम चारों ने सूखा काम खुद चुन लिया और इतनी कड़ाके की ठंड माँ बर्तन मांजे हम। फुलवा तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे रसोई की सारी जिम्मेदारी तुमने अकेले उठा रखी हो। अरे ओ शनि देवल की शकीना, काहे कदर मचा रही हो, अबे चुपचाप से पोछा मारो, समझी ना। तभी रसोई के बाहर से जा रही सास अंदर आकर कहती है, तुम पांचों को सारी बड़बड़ रसोई में ही करनी होती है, अरे कभी तो शांति से मिलजुल कर काम कर लिया करो। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जब रसोई में खाना बनाते वक्त तुम पांचों की खटपट की आवाजें ना सुनाई दे। वही तो माँ जी, चारों ही कलेश मचाती है। मैं तो कहती हूँ इन चारों कलेशनियों को मेरी रसोई से निकाल दीजिए। वारी जेठानी जी, तुम तो बड़ी मीठी चूरी हो। अरे बस बस, अब फिर से महाभारत मत शुरू करो, भूख लगी है मुझे, खाना बनाओ। इसी तरह से दिन बीतता है। फिर एक सुबह, अब सर्दियां पड़ने लगी हैं, आज तो मैं आलू के पराठे और पुदीने की चटनी बनाऊंगी। जेठानी जी आप अपने आलू का पराठा कल बना लेना, गैस चूल्हा खाली करो, काहे कि आज फुलवा बिहारी स्टाइल में लिट्टी चोखा बनाएगी। बैंगन कहने हैं मीनम्मा, बैंगन दो। सारी बट आई कांट जी, क्योंकि आज मेरे को सांबर बनाना है, उसमें एक बैंगन लगता जी। बिल्कुल नहीं, तुम अपना सांबर शाम को बना लेना। नेवर जी, मैं अभी बनाएगी, अब भी खाएगी। नाउ तुम चारों रसोई से गेट आउट हो जी। ससुरी दादा गिरी झाड़त, अब तो हम एकदम नहीं जाएंगी। पुलवा रसोई से तुम जानत नहीं हो, एक बिहारी सौ पे भारी। हम भी किसी से कम नहीं है जी। रसोई को लेकर शुरू हुई बात नोक झोक से कलेश में बढ़ जाती है। आवाज सुनकर सास वहां आती है। ससुरी हाथ लगाती है, रुको तुझको तो हम बतावत है, ये ले। ये कहते हुए पुलवा करछी उठाकर मिनम्मा को पीट डालती है। आई अम्मा पीट डाल रही, आम तुमको छोड़ी नहीं, तुम देखो। फिर मिनम्मा पुलवा के बाल नोचने लगती है
और तीनों बहुएं उन्हें छुड़ाने के चक्कर में खुद भी शिकार हो जाती हैं। तभी साहस आती है। हे राम, मैं कहती हूँ छोड़ो एक दूसरे को, वरना तुम पांचों की सुताई मैं करूंगी। अरे ये क्या कर रही थी तुम पांचों? नास पिटियों मेरी रसोई को अखाड़े का मैदान बना कर रखती है। चलो बस बहुत हो गया, अपना अपना बुरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ तुम सब मेरे घर से। ये सुनकर पांचों बहू बिखरे बाल और बिगड़े मुंह से एक दूसरे को देखने लगती हैं और अपनी गलती मानकर सास के पैरों में गिर जाती हैं। सासू माँ, हम सभी को माफ कर दो, हम दोबारा से एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। हाँ माँ जी, रसोई से बहुत लगाव हो गया है हमें, घर से मत निकालिए। ठीक है, मैं तुम पांचों को एक मौका दे रही हूँ, मगर अगर अब तुम पांचों एक साथ मिलजुल कर नहीं रही तो अपनी सास की सुताई खाने के लिए तैयार रहना। उस दिन से पांचों बहुएं सुधर जाती हैं और एक साथ मिलजुल कर रसोई संभालती हैं। माँ माँ, मुझे एक रोटी और दो ना, एक रोटी में पेट नहीं भरा। हाँ रुक बेटी, ये ले। जैसे ही राधा 5 साल की मुनिया के प्लेट में रोटी डालने वाली होती है तभी सास कमला उसे रोक लेती है। अरे तूने अपने हिस्से की एक रोटी खा ली ना, चल उठ जाब। मगर माँ जी, अभी मुनिया का पेट नहीं भरा, एक रोटी देने दीजिए। अगर तुझे अपनी इस भुक्कड़ बेटी को पेट भरकर रोटी खिलानी है तो कल से ज्यादा आटा लेकर आना। नहीं, मेरे होते हुए मेरी बच्ची आधा पेट खाना नहीं खाएगी। अपने हिस्से की रोटी राधा अपनी बेटी को खिला देती है और फिर गिनकर बनाई हुई रोटियों में से अपने गरीब ससुराल वालों को भी खिला देती है। तभी मोहन कहता है, राधा ये ले, मेरे में से एक रोटी तुम खा लो। नहीं भाभी, आप मेरे में से रोटी ले लो। हाँ हाँ, दे दो इसे अपने हिस्से की रोटी, वरना दोनों भाई बहन महान कैसे बनोगे? ये बित्ते भर की छोकरी दो रोटी ठूसेगी तो इतना अनाज कहाँ से आएगा? अरे कमला, कम से कम बेचारी उस बच्ची को तो छोड़ दो, उसके खाने पीने में भी टोकती रहती हो। हाँ, इस घर में सबको मैं ही तो गलत लगती हूँ। कहा था मैंने तुमसे मोहन की शादी इससे ना करो, मगर तुम्हारी तो मती मारी गई थी। जब से ये कुलच्छनी करमजली ब्याह करके आ गई है तब से सुख से दो वक्त की रूखी सूखी रोटी भी नसीब नहीं हो रही। अरे कुली के काम से अच्छा खासा कमाता धमाता था मेरा बेटा, वहां आप देखो उसके पैर क्या गए, घर की रसोई में राशन पानी के लाले पड़े हैं। मगर माँ, मेरे बदले बेचारी राधा बाहर जाकर मजदूरी करके घर का खर्चा चला रही है, फिर भी तुम इस बेचारी को कोसती रहती हो। ये तू नहीं मोहन, बल्कि तेरे मन में इस नागिन ने जो जहर भरा है वो बोल रहा है। मोहन जी, आपको मेरी कसम, चुप हो जाइए। उस गरीबी के चलते बेचारी राधा आटे के चोकर की रोटी बनाकर वही लेकर काम पर चल पड़ती है, जहां रस्ते में वो एक ढाबा देखती है। इस ढाबे पर हर दिन कितनी भीड़ लगी रहती है, काश कि मेरे पास भी इतने पैसे होते कि मैं भी ढाबा खोल सकती। कितने वक्त से पैसे जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, मगर जो भी कमाती हूँ वो दो वक्त की रोटी खाने और रसोई चलाने में ही लग जाता है, ऊपर से रोज उस रघु की गंदी नजर झेलना। ईटा भट्टी पर आकर दिन भर ईंट ढोती है, तभी दोपहर हो जाती है। तभी उसे चोकर की रूखी सूखी रोटी खाता देख कर रघु कहता है, अरे राधा, तुझे रूखी सूखी चोकर की रोटी खाते देख कर बड़ा बुरा लग रहा है, कह तो मैं तेरे घर की रसोई में राशन पानी भरवा दूं, बदले में बस तू मुझे खुश कर दे, वैसे भी तेरा अपाहिज पति किसी काम का नहीं। गुस्से से राधा उसे खींच कर थप्पड़ मारती है। तूने मुझे थप्पड़ मारा, निकल जा यहां से। जा रही हूं और थूकती हूं मैं ऐसे काम पर, मैं उनमें से नहीं हूं जिन्हें दो वक्त की रोटी कमाने के लिए मैं खुद को बेच दूं। अपना स्वाभिमान बचाकर वह गरीब बहू वहां से चली जाती है। वो कई जगह काम खोजती है। हे भगवान, मुझ गरीब बहू पर दया कर, अगर काम नहीं मिला तो मैं अपने घर का दाना पानी कैसे चलाऊंगी। आखिर में ले देकर उसे शादी में बर्तन मांजने का काम मिल जाता है। समय बीतता है। एक दिन, अरे ओ बहू रानी, अगर सभी खा चुके हों तो अपनी इस गरीब बूढ़ी सास को भी दो रोटी डाल दे। जी माँ जी, ये लीजिए। सभी के खाने के बाद राधा आखिर में एक रोटी खाने बैठती है। तभी एक 70-80 साल की बुढ़िया उसके दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। सुनो बेटी, मुझे गरीब को थोड़ा खाना खिला दो, भगवान तुम्हारी रसोई को अन्न पानी से भरेगा। ये लो अम्मा, आप खा लो। अरे बहू, ये कौन सी समझदारी की बात हुई, यहाँ अपने खाने का ठिकाना नहीं है और अपने हिस्से की रोटी बुढ़िया को दे दी।
जा मर भूखे, मैं तो तुझे अपने में से एक टुक भी ना दूं। उस दिन के बाद से वह बुढ़िया रोज उसके दरवाजे पर आती है और राधा अपने हिस्से की रोटी बुढ़िया को खिलाकर खुद नमक पानी पीकर रह जाती है। बेटी, तुमने इतने दिन तक मेरी भूख मिटाई, अपनी रोटी मुझे दी, मैं भी तुम्हें कुछ दे रही हूं। बुढ़िया अपनी गंदी गठरी में से एक पतीला उसे देती है। ये लो बेटी, मेरी तरफ से ये पतीला तुम रख लो। पतीला देखकर कमला जोर जोर से बड़बड़ाने लगती है। ये बुढ़िया तो बड़ी मक्कार निकली, इतने दिनों तक हम गरीबों के घर की रोटियां मुफ्त में तोड़ती रही और आज देखो ये पुराना सा पतीला पकड़ा कर जा रही है, कुछ रुपया पैसा देती। बूढ़ी अम्मा का दिया पतीला राधा खुशी से लेकर रसोई में रख देती है। अब शादी का काम बंद पड़ जाने के चलते वह पूरी तरह घर पर बैठ जाती है। माँ भूख लगी है, कुछ दो ना खाने को। ये काम चोर कमा धमा तो रही नहीं, अब तो लगता है भीख मांग कर खाना पड़ेगा। नहीं माँ जी, मैं कुछ देखती हूँ। गरीब बहू रसोई में रखा राशन का एक एक डिब्बा टटोलती है जिसमें उसे बड़े थोड़े से चावल मिलते हैं। इतने थोड़े से चावल हैं, एक काम करती हूँ भात बना देती हूँ। तभी वह बूढ़ी अम्मा के दिए पतीले में वह चावल चूल्हे पर पकाने लगती है और बार बार अपने भूखे ससुराल वालों का मुंह देखती है। भाभी, चावल बन गया, भूख से ना जान जा रही है। बस बनने वाला है गौरी। चावल बनाकर राधा सभी को परोसती है। बहुत थोड़ा सा भात और देना। पता नहीं पतीले में चावल बचा होगा कि नहीं। तभी पतीले में चावल भरे देखकर वह गरीब बहू चौंक जाती है। ये क्या जादू है, मैंने तो बड़ी ही थोड़े से चावल बनाए थे, सबने पेट भरकर खा भी लिया फिर भी एक पतीला चावल बच गया, कहीं मेरी रसोई जादुई तो नहीं हो गई। ये सोचकर वह गरीब बहू आटे के कनस्तर पर हाथ रखकर कहती है, अगर मेरी रसोई जादुई है तो ये कनस्तर आटे से भर जाए। तभी तेज रोशनी चमकती है और डिब्बा आटे से भर जाता है। ऐसे ही वह सभी खाली मसाले, दाल, तेल के डब्बों को छूकर भी कहती है और एक सुनहरी चमक के साथ उसकी रसोई राशन पानी से भर जाती है। अगली सुबह रसोई देखकर कमला कहती है, ये मैं किसके घर की रसोई में आ गई हूँ, इतने सारे अनाज की बोरी। माँ जी, ये वही रसोई है जो आपने अपनी गरीब बहू को सौंपी थी। मगर बहू, घर में तो पैसे थे नहीं, इतना राशन पानी कहाँ से आया। राधा अपनी सास को जादुई रसोई की बात बताती है। माँ जी, जब से ये पतीला रसोई में आया है तभी से सब कुछ बदला है, बूढ़ी अम्मा को भगवान ने हमारी मदद के लिए भेजा था और मैं अपनी कंजूसियों के चलते जितना उन्हें खिलाया नहीं उतना सुनाया, भगवान मुझे माफ कर देना। माँ जी, मैं सोच रही हूँ आज खाने में पूरी कचौरी बनाऊं, इतने वक्त से हम सभी रूखी सूखी रोटी ही तोड़ रहे हैं। फिर वह गरीब बहू जादुई पतीले को चूल्हे पर चढ़ाकर खाना बनाती है। अह मेरी जादुई रसोई, मुझे छोले पूरी दो ताकि मेरा परिवार आज पेट भर कर खाए। तभी एक जादुई चमक पतीले में समा जाती है जिसमें छोले पूरी से वो पतीला भर जाता है। खाने में छोले पूरी देखकर सभी बड़े खुश होते हैं। अरे वाह भाभी, छोले पूरी, आज कितने वक्त के बाद ये अच्छा खाना खाने को मिल रहा है। माँ, आज तो चार पूरी खाऊंगी, आपको पता है ना मुझे छोले पूरी खाना कितना पसंद है। ये सुनकर गरीब बहू की आंख में आंसू आ जाते हैं। हाँ मेरी बच्ची, तुझे जितना खाना है उतनी पूरी खाना, ठीक है। उस गरीबी में कहां तो उस गरीब बहू की रसोई में कल तक गिनकर रोटियां बनती थी, मगर आज जादुई रसोई से उस रोज उसके ससुराल वाले पेट भर कर खाते हैं। दिन बीतते हैं और फिर एक दिन, माँ जी आप तो जानती हैं कि मैं हमेशा से अपना एक ढाबा खोलना चाहती थी, क्यों ना हम अपनी जादुई रसोई को काम में ले आए, उससे गरीब लोग दो वक्त की रोटियां सस्ते में खा पाएंगे और फिर हम भी चार पैसे कमा पाएंगे, फिर कल को गौरी के हाथ भी पीले करने हैं। हाँ बहू, तो एकदम ठीक कहती है। इसके बाद दोनों गरीब सास बहू अपनी जादुई रसोई का चूल्हा सामान सब कुछ लगाकर ढाबा खोलती हैं। उनका ढाबा चल पड़ता है और सारा दिन वहां लोगों की भीड़ लगी रहती है। दोनों सास बहू बड़ी कमाई करती हैं जिससे घर के हालात भी ठीक हो जाते हैं।